एक बात पूछना था कि जब ये औरतें करवा चौथ व्रत रहती हैं तो उनके बड़े सारे डिमांड रहते हैं कि शाम को व्रत खोलना है तो हमको ले चलिए होटल में, खिलाइए कुछ अच्छा, भेल पकोड़ी, ये सब पता नहीं क्या क्या होता है ना, वो छोले भटूरे, पूरे 1-8 घंटा व्रत नहीं रहेंगी तो लगता है पूरा जाने निकाल लेंगे आदमी का। और उसके बाद भी फिर पानी पिलाओ, आदमी पिलाता है पानी तब व्रत। अरे हम फास्टिंग रखे हैं, साला फास्टिंग क्या रखी हो, 12 घंटे के बाद तो समवा को चापबे करेगी हैं। एक हम है, हमारा तीज का व्रत आता है, तीज का व्रत आता है तो एक दिन पहले में से न लहसुन न प्याज कुछ नहीं खाना होता है, और उसके बाद भी सारा दिन न दिन को पानी पीते हैं न रात को पानी पीते हैं। जब भोर सुबह होगा तो पता चलेगा कि अभी पारण नहीं है, साला प्यास के मारे जन्मे चला जाता है। उस पे भी जिस दिन व्रत रहते, सुबह उठो, बच्चा स्कूल भेजना है, इनको ये भेजना, ऑफिस जाओ, ये रखो, वो रखो, तौलिया रखो, रुमाल रखो, फलाना, सब कुछ दे के तैयार करके ड्यूटी भेजो, फिर आओ, चाय बनाओ, पकौड़ी बनाओ, क्यों? अरे भाई हमारा व्रत रखियो ना, तो हम ठीक नहीं रहेंगे खुश तो तुम्हें फल कैसे मिलेगा, ये ब्लैकमेल करते हैं लोग। और उसके बाद भी दूसरे दिन उठ के करके खाना बनाओ तब खाने को मिलेगा, कोई एक गिलास पानी नहीं पूछता। हम भी तो रहते हैं व्रत, हमारा समझ में नहीं आता। उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है जो करवा चौथ व्रत रहते हैं पंजाबी लोग, हम भी देखते हैं ना तो हमारा भी मन खिल उठता, अरे इनकी जिंदगी तो बहुत अच्छी है। करवा चौथ व्रत रहेंगी, ऊपर से हार है, नकली सर गिफ्ट अलग चाहिए। अब व्रत रखते तो जैसे लगता है एहसान कर रही हैं आदमी के ऊपर, पता है पहले से ही प्रोग्राम उनका बन जाता है कि कौन से होटल में चलना है, चलिए।